हेलो एवरीवन, आज का जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, यह एक व्यंग्य चित्र है जो कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। इस व्यंग्य में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ सेकंड अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी और उनके आने की खबरें, शाही दौरे की जो खबरें थी वो सभी अखबारों में छपी हुई थी। लंदन से उड़ने वाली हर खबर यहाँ सुर्खियों में दिखाई देती थी, यानी कि बहुत ऊपर, सबसे ऊपर सुर्खी में वह खबर दिखाई देती थी जो लंदन में घटित हो रहा था। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी। वहाँ का दर्जी इस बात से परेशान था कि महारानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या क्या पहनेंगे। उनके सेक्रेटरी, जासूस, फोटोग्राफर सब तरफ दौड़ भाग में लगे हुए थे। रानी ने 400 पौंड खर्च करके हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया था और इसकी भी खबर सब जगह अखबारों में छपी थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकर, बावर्ची खानसामे, अंगरक्षक और यहाँ तक कि उनके कुत्तों की तस्वीरें भी छापी गई थी। दिल्ली में तो शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से रहने वाली सड़कें जो हैं वो साफ़ करवा दी गई थी क्योंकि रानी आने वाली थी। सभी तरह की इमारतों को सजाया गया, चारों तरफ धूम धड़ाका दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही देखा गया तो वहाँ पर जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी उसकी नाक नहीं है, नाक कटी हुई है, यानी नाक टूटी हुई है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्ति को लेकर के आंदोलन भी किए थे और कई प्रस्ताव भी आए थे, भाषण दिए गए, बहस की गई कि पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार भी तैनात कर दिए थे, लेकिन हादसा हो गया। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक जो थी अचानक गायब हो चुकी थी और हथियारबंद पहरेदार थे वो अपनी जगह तैनात रहे, लेकिन तब भी नाक गायब हो चुकी थी और महारानी आ रही थी तो ये एक बड़ी समस्या बन गई कि नाक कहाँ गई मूर्ति की। देश की चाहने वालों की जो लोग थे उनकी एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में उपस्थित सभी लोग इस बात से सहमत थे कि नाक तो होनी ही चाहिए और यदि नाक नहीं लगाई तो देश की नाक कट जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों से सलाह की गई कि मूर्ति की नाक किससे लगवाई जाए। मूर्तिकार ने कहा नाक तो लग जाएगी लेकिन यह पता नहीं है कि मूर्ति कहाँ बनी है और पत्थर कहाँ से लाया गया है। फिर पुरातत्व विभाग के पास गए कि पत्थर कहाँ से लाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी कुछ पता नहीं चलता। तो मूर्तिकार ने बताया कि देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ करके ले आएगा जैसा कि मूर्ति में लगा हुआ है। इस तरह से उसे पहाड़ों पर घूमने की आज्ञा मिल गई और वह कुछ ही दिनों में वापस लौट करके आ गया कि उसे पत्थर तो नहीं मिला। फिर आकर के उसने जवाब दिया कि पत्थर तो विदेशी था, यानी कि उसे घूमने का मौका मिल गया और नाक भी नहीं मिली। फिर मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की ऐसी अनेक मूर्तियां हैं, उनमें से किसी एक की नाक काट करके इस मूर्ति पर लगा दो। ऐसा सभापति में जो उपस्थित थे लोग उनकी सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी, लेकिन सावधान रहने की बात कही कि ये बात अखबार वालों को पता नहीं चल जाए। अगर अखबार वालों को पता चलेगी कि अपने ही देश के किसी नेता की मूर्ति की नाक काट करके लगाई है तो एक बड़ी आफत आ जाएगी। वहाँ पर दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, गांधी, सरदार जी, देसाई जी और रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस सभी की मूर्तियाँ जो थी उनको भली भांति देखा गया, परखा गया कि किसी की नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। सबकी नाक सब अलग अलग थी, उन पर कोई भी फिट नहीं बैठी।
और इस बात से सभी जितने भी लोग थे उसमें खलबली मच गई। अगर जॉर्ज की नाक नहीं लग पाई तो रानी का स्वागत कैसे करेंगे। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। देश की 40 करोड़ जनता में से किसी जिंदा नाक को काट करके मूर्ति लगा दें। यानी सुझाव देखिए कि जिंदा व्यक्ति की नाक को काट करके मूर्ति पर लगा देते हैं। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, लेकिन उसने मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई, यानी फिर से लोग पहरेदार लगा दिए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सूखा करके साफ कर दिया गया और उसकी जो मिट्टी निकली ताज़ा पानी उसमें डाला गया ताकि जो जिंदा नाक है वो सूख ना जाए। वह दिन आ गया जब अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती है। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। ऐसा लग रहा था जैसे जॉर्ज पंचम की नाक जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी, किसी की नाक नहीं बची थी। जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बना करके रखा, उनके स्वागत के लिए, उनकी मूर्ति के स्वागत के लिए, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक कटवाने को तैयार क्यों रहते हैं। इस पाठ में पूरा यही व्यंग्य किया गया है कि हमारा देश जो है काफ़ी वर्षों से स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन मन जो है अभी भी गुलाम है। मानसिक गुलामी का भाव अभी भी विद्यमान है। उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए हम अपने वहाँ नाक कटवाने को भी तैयार रहते हैं। उन विदेशियों के स्वागत में तलवे चाटने की जो इच्छा है वो किस तरह से लोगों में अभी भी बनी हुई है, इस बात पर व्यंग्य किया गया है कि सरकारी तंत्र की यहाँ पर दूरदर्शिता कि किस प्रकार से उन्होंने एक जिंदा व्यक्ति की नाक के लिए हामी कर दी महारानी के आने पर। और ये कोई सराहनीय नहीं है, यह गुलाम मानसिकता का परिचायक है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी किस प्रकार से परेशान होता है और किस प्रकार से सभी की नाक को जांचा जाता है, मूर्तिकार ने किस प्रकार से पहाड़ों की यात्रा की, और वास्तव में नाक ही मान सम्मान की प्रतिष्ठा का द्योतक है। सारा व्यंग्य इस बात पर किया गया है। किसी समय में दिल्ली में इस विषय पर बड़े तहलके मचे थे कि हिंदुस्तान को गुलामी देने वाले जॉर्ज पंचम की नाक बचे या ना बचे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। काफ़ी अखबारों में भी छपा था, विरोध भी हुए थे, तो आंदोलन की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर हथियारबंद लोग तैनात किए गए थे रक्षा के लिए मूर्ति की। इस प्रकार से भी नाक खोना व्यंग्य करता है, इस बात को बताता है कि नाक कैसे चली गई। लेकिन सारी स्थिति जो है यहाँ पर केवल व्यंग्य की बात है कि जॉर्ज पंचम की नाक कट चुकी थी, उसके लिए किसी जिंदा व्यक्ति की नाक के लिए हामी कर दी गई। तो पूरा पाठ जो है व्यंग्य को बताता है। उस समय की आबादी 40 करोड़ थी और भारतवासियों को ऐसा लगा जिंदा नाक की सुनकर के कि उनकी सबकी नाक कट गई, सबका अपमान हुआ है। आज़ाद देश में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगाई गई जिसने सारे देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था। यानी कि ये बहुत ही अपमानजनक घटना थी 40 करोड़ देश के लोगों के लिए, और यह सुविचारित घटना। इसके बारे में उस दिन अखबारों में भी सिर्फ इतना छपा, और इस अपमान से पीड़ित होने के कारण उनके पास कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। अखबारों के पास कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। देश की आज़ादी के बाद अंग्रेजी शासन तो हिंदुस्तान से चला गया, लेकिन अंग्रेजी का प्रभाव पूरी तरह से यहीं पर रह गया। तभी तो सभापति ने तैश में आकर कहा था, लानत है आपकी अकल पर,
विदेशों की सारी चीज हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। इस प्रकार से उस एक नाक के लिए पूरा हंगामा होता है और एक जिंदा व्यक्ति की नाक जो है वह लगवाने की हामी सभापति के द्वारा कर दी जाती है। अंग्रेजी सभ्यता के कारण ही यह प्रभाव था उनका अंग्रेजों का कि एक जिंदा नाक की बात सभापति ने कह दी और जिंदा नाक लगवा दी गई। यह एक बहुत ही बुरी चीज़ थी।